हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आपको याद ही होगा, महीने भर पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत सारी पोस्ट निकली थी मैनेजर की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते थे, बी बी टेक वाले हर ब्रांच वाले एलिजिबल थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते थे। आपको याद ही होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर, टेक्निकल के अंदर, फायर सर्विसेज के अंदर, आईटी के अंदर बहुत बहुत सारी पोस्ट निकली थी। सब लोग डिमांड कर रहे थे इसके सिलेबस का, फाइनली इसका सिलेबस वेबसाइट में, ऑफिशियल सिलेबस जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है वही सिलेबस अपलोड हुआ है। तो उसी के बारे में बात करते हैं, कोई फेक सिलेबस नहीं है भाई लोग। जैसा कि बहुत से लोग बता रहे थे, पुराने सिलेबस बता रहे थे, पुराने से इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो इस नए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के मैनेजर के सिलेबस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में ही बताने वाला हूं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते थे। सबसे पहले हम जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए बी बी टेक वाले हर ब्रांच वाले एलिजिबल हैं या एलिजिबल थे हम बोल सकते हैं। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दो पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए जो रहेगा उसमें जीके अवेयरनेस इंग्लिश एप्टीट्यूड आएगा, जो पार्ट बी है उसमें बेसिक्स आएंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। एक ही पेपर होगा, एक पेपर दो पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट ए में जीके अवेयरनेस एप्टी इंग्लिश वगैरह रहेगा, पार्ट बी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बेसिक्स रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखी गई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की 200 पोस्ट करीबन थी, इसके लिए बी बी टेक वाले हर ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते थे। तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिलेबस हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिलेबस में ही बस इन्होंने बताया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कितने क्वेश्चन आएंगे। बाकी जितने भी सिलेबस है ना उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमें बताया नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी या फिर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम, ऐसा समझ सकते हैं कि बाकी जो सिलेबस है, बाकी जो पोस्ट हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ठीक है, अगले पोस्ट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के अंदर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर वाले अप्लाई कर सकते थे, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसा कि मैंने बताया सिंगल पेपर दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में जीके एप्टी इंग्लिश और अवेयरनेस आएगा सभी के सिलेबस में। जूनियर एग्जीक्यूटिव का अगर आप फॉर्म भरे हैं तो पेपर दो पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट में जीके एप्टी इंग्लिश अवेयरनेस यही सब आने वाला है और सेकंड पार्ट में सबका सिलेबस अलग अलग है। तो फायर सर्विसेज के सेकंड पार्ट में आएगा अप्लाइड केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, सॉम, एयरपोर्ट फायर के बारे में, फायर प्रोटेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। तो फायर सर्विसेज की जो पोस्ट है इसमें जो सेकेंड पार्ट है इसका सिलेबस डिटेल में दिया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है हमें नहीं पता, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं या कितने समय का एग्जाम होने वाला है वह नहीं पता। बस जैसा मैंने बताया एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले में ज़्यादा डिटेल दी हुई है, बाकी किसी में डिटेल्स नहीं दी हुई है। एयरपोर्ट ऑपरेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन का पेपर भी दो पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए में एप्टी इंग्लिश जीके अवेयरनेस तो आएगा ही आएगा, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशन का जो पेपर होगा इसमें पार्ट ए में एविएशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे एयरपोर्ट की डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि टैक्सी वे, पार्किंग वगैरह क्या होता है, इसके अलावा कितने टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं। बेसिकली एयरक्राफ्ट से रिलेटेड 20% क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे। इसके बाद जो एयरपोर्ट ऑपरेशन का पेपर होगा इसके पार्ट बी में फिजिक्स आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट आएगा। फिजिक्स 40%, मैथमेटिक्स 40%, बिजनेस मैनेजमेंट 20%। इसके बाद हम जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं, जिसके लिए बी बी टेक मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते थे। पार्ट ए में जैसा मैंने बताया जीके एफटी इंग्लिश रीजनिंग ही आने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। पार्ट बी में मैकेनिकल के जितने भी कोर सब्जेक्ट है ना भाई सब आएंगे, ईएम, सॉम, टॉम, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल के जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं सब आएंगे। मेरे बगल में आप देख सकते हैं एफएम, ओआर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस दे दिया गया है भाई लोग। तो अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई किए हैं तो मैकेनिकल की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्निकल का जो एग्ज़ाम होगा
इसमें पार्ट बी में 70% वेटेज दिया गया है, बाकी के जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना वहाँ पे दोनों पार्ट में 50-50% वेटेज है, लेकिन जो टेक्निकल की पोस्ट है इसमें पार्ट बी में 70% वेटेज है। तो पार्ट बी तो आपको क्लियर करना ही करना पड़ेगा और बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना पड़ेगा। पार्ट ए में थोड़ा कम नंबर भी आ जाएगा आपका तो चल जाएगा। इसके बाद आखिरी वह है जूनियर एग्जीक्यूटिव आईटी की पोस्ट, जिसके लिए सीएसआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते थे। इसके भी पार्ट ए में जीके एफटी इंग्लिश रीजनिंग यही सब आने वाला है, और पार्ट बी में मैथमेटिक्स ग्राफ थ्योरी और सीएस कंप्यूटर साइंस का लगभग पूरा सिलेबस है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आईटी का भी सिलेबस है तो आप देख लीजिए, डिटेल से सिलेबस देख लीजिए। और इसमें भी क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है इसमें भी 70% वेटेज पार्ट बी में रखा गया, यानी कि टेक्निकल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई लोग ये ऑफिशियल सिलेबस है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करना भाई लोग, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बता दो ऑफिशियल सिलेबस AAI का आ चुका है देखने के लिए। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान जय किसान।